हरिद्वार में आने के बाद हमारी ये पहली कांवड़ यात्रा है। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे दर्शन लेने के लिए, गंगा माता को समर्पण देने के लिए और अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं। इस बार मैं आपको कांवड़ यात्री और कांवड़ यात्रा के बारे में छोटी सी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि 2021 में 3 करोड़, 2022 में 3 साढ़े 3 से 4 करोड़, 2023 में 3 करोड़, इतने लोग यहाँ पे आते हैं। और यही जो जनसंख्या है मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और अलग अलग तरह के पोशाक पहनकर कांवड़ यात्री अपनी श्रद्धा के साथ यात्रा में समर्पण होते हैं। और यह यात्रा हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ही आगे, जो कि हर की पौड़ी जाने का रास्ता है, वहाँ से शुरू होती है। और यह जन समुदाय पूरा रास्ता अलग अलग रंगों के पोशाक के यात्रियों से भर जाता है। हमने कुछ कांवड़ यात्रियों के साथ बात की तो पता चला कि कांवड़ यात्री 100 किलो, 150 किलो, कुछ कुछ कांवड़ यात्री 200 किलो तक जल चलते चलते अपने गांव लेके जाते हैं। और उनकी यही तपस्या के साथ, ना कि वो अकेले, उनका पूरा गांव प्रसन्न हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ये रंग बिरंगी कांवड़ यात्री हर की पौड़ी की ओर चलते हुए और वहाँ पे गंगा माता में स्नान करेंगे। ये कांवड़ यात्रा पे एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था बहुत दिनों से, तो मैंने आज किया है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी आपके लिए हम शेयर करते रहेंगे। हर हर महा।